हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मेरे ग्राफ्टेड प्लांट है जिसे मैंने ग्राफ्ट किए थे, तो आज इसी की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ मैं। और ये देखिए कुछ प्लांट है, तीन चार जो प्लांट है ये मैंने खुद ग्राफ्ट किए हैं और इसी की आज सॉइल मुझे चेंज करनी थी। और आपके प्लांट में अगर इस टाइप से देखिए 5-6 लीव्स आ गए हों, थोड़ा सा मैच्योर हो गया हो, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और दो प्लांट मैंने ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, लिया है मैंने इनसे। ये दो प्लांट देखिए काफ़ी बूशी है, मल्टी ब्रांचेस वाला है और ये बिल्कुल मतलब 6 से 7 महीने की सीडलिंग है। तो ये दो प्लांट को भी रिपोर्ट करना है। और ये देखिए, ये एक रोजी वेराइटी का है, रेड ट्रिपल लेयर का, और ये वाला जो है ये पिंक कलर का है। तो ये इसे मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था, तो इसे भी मैं चारों को रिपोर्ट करूँगी और अच्छे से नया सॉइल दूँगी। और थोड़ा सा सेलो पॉट देना है मुझे इसे, क्योंकि मल्टी ब्रांचेस वाला है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसे, और इस तरीके से आपको निकालने हैं सारे प्लांट को। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया है और इसमें फाइबर रूट्स बहुत अच्छे तरीके से बन चुके हैं। ये देखिए, कल सभी को मैंने वाटरिंग किया हुआ था, तो ये देखिए फाइबरस रूट अच्छे से निकल गया है। और नीचे की ओर इस तरीके से देखिए, इसका कोडेक्स बहुत ही प्यारा है। और ये रेड ट्रिपल लेयर रोसी वेराइटी का अडेनियम का प्लांट है मेरा, और देखिए इसका जो कोडेक्स है ना, बहुत ही अच्छा है। नीचे से देखिए बहुत प्यारा शेप लिया है। तो सबसे पहले मैं इसे फंगीसाइड अच्छे से पहले वाटरिंग से साफ कर लूँगी, और उसके बाद देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने सारे को क्लीन कर लिया है। और जितने भी फाइबरस रूट थे उसे मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद देखिए इस तरह जहाँ जहाँ मैंने कट किया था वहाँ वहाँ मैंने साफ फंगीसाइड का पाउडर ले लिया है इस तरीके से। और ये देखिए जितने भी फाइबरस रूट थे उसे मैंने कट कर लिया इस तरीके से, देखिए। और ये वाला जो है, ये भी यहाँ से भी मैंने इसके कुछ रूट से इसके रूट रॉट हो गए थे, अच्छा हुआ मैंने समय पर इसे रिपोर्ट कर लिया है। और इस तरीके से देखिए, मैंने 7 इंच और के पॉट लिए हुए हैं, और नीचे सारे मैंने देखिए ईंट के टुकड़े डाल दिए हैं। और ईंट के टुकड़े अडेनियम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें पोटास होता है ऑर्गेनिक में। सॉइल मैंने रेडी किया है इस तरीके से देखिए, जिसमें कि 20% कोकोपीट है, 20% राइस हस्क है, और पुराने अडेनियम की सॉइल है, थोड़ा सा बोन मील फंगीसाइड का पाउडर है, और किचन वेस्ट कंपोस्ट मैंने बनाया था इस तरीके से है। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े हैं, और थोड़ा सा मैंने लकड़ी का कोयला लिया हुआ है। तो ये सब मेरे पास थोड़ा थोड़ा अवेलेबल था। तो हाँ, नीम की खली इसमें ज़रूर ऐड करिए फ्रेंड, एंटी फंगल होते हैं और अडेनियम को बहुत पसंद है नीम की खली, तो ये ज़रूर आप ऐड करिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सॉइल का प्रिपरेशन कर लिया है, और बिल्कुल पोरस सॉइल है। और हाँ, सेंट की मात्रा मैंने इसमें 30% ली है, और इसमें गार्डन सॉइल बिल्कुल नाम मात्र के लिए, मतलब 5% अबव होगी इसमें, ये देखिए इस तरीके से। और राइस हस्क भी है इसमें 10-20% के करीबन, तो काफ़ी मैं अच्छा सा देखिए रिच सॉइल मेरा रेडी हुआ है। तो चलिए हम रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने नीचे टिकरी रख दी हुई है, ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं नीचे इस तरह तरीके से। और ये देखिए, ये एक सेलो पॉट है। तो एक प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिया था आपसे, ये देखिए बहुत सुंदर। और जब भी आप अडेनियम को रिपोर्ट करें तो थोड़ा सा उसके 1 इंच उठाकर आप उसे रिपोर्ट करिए, क्योंकि हर साल से आप रिपोर्ट करेंगे 1-1 इंच उठा के, तो इसका कोडेक्स जो है ना, उसकी ब्यूटी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ईट कर दिए हैं। अगर आपके पास राइस हस्क हो या फिर कुछ भी ड्राई लीव्स हो तो आप इसे इसके बाद डाल सकते हैं। मैंने पहले ये अपने सॉइल में ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से नीचे की ओर मैं थोड़ा सा सॉइल फिलअप कर लेती हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने सॉइल को फिल अप कर दिया है। और बिल्कुल शैलो पॉट है जिसका हाइट कम है, और डायमीटर इसका अच्छा चौड़ा सा है, और दिखने में भी बहुत सुंदर है ये पॉट। तो इस तरीके से देखिए, ये जो पोर्शन है ना, आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, तो मैं हल्का सा ऐसे उठा के लगाने वाली हूँ, और इसका कोडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, और चारों ब्रांचेस में इसकी ग्राफ्टिंग हुई है इस तरीके से।
तो एक हाथ तो से बन नहीं रहा है मुझे, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक प्लांट को लगा के दिखाती हूँ और एक हाथ पे मैंने कैमरा हैंडल कर रही हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको लगाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट लग चुका है और देखिए मैंने थोड़ा सा उठा के ही इसे लगाया है। जब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी ना तो थोड़ा सा इसका लेवल नीचे आ जाएगा क्योंकि राइस इसका डला हुआ है इस पर इस तरीके से। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है और रिपोर्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से है ये। और अभी बिल्कुल रात का समय है, 10-11 बज रहा है और दिन में तो इतनी गर्मी होती है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए मैंने 4 से 5 प्लांट रिपोर्ट किए हैं और ये जो प्लांट है ना काफ़ी बुशी था लेकिन इसका कोडेक्स बहुत छोटा था, तो मैं इनके कोडेक्स को नीचे दबा दिया है मैंने ताकि ये इसका कोडेक्स अंदर ही सॉइल के अंदर ही अच्छे से ग्रोथ करे, क्योंकि इसका वेट ये ऊपर मल्टी ब्रांचेस वाला था तो इसको मतलब झुक जा रहा था, इसलिए मैंने इसके कोडेक्स को नीचे दबाया। ये देखिए तो, और कल मैं मॉर्निंग में इसमें सारे फंगीसाइड का स्प्रे कर दूंगी तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बिल्कुल मॉर्निंग का समय है और कल जो मैंने प्लांट रिपोर्ट किए थे आज उसी को वाटरिंग करते हैं। तो ये इस तरीके से फंगीसाइड वाला पानी लिया है मैंने और एक एक मग मैं इसमें डाल दूंगी ताकि अच्छे से रहे। और इसे अभी बिल्कुल मैं 15 दिन छांव वाले एरिया में रखूँगी और धीरे धीरे से मैं सनलाइट प्रोवाइड करते जाऊँगी। तो बस फ्रेंड्स इतना ही बताना था। तो आपका भी अगर है रिपोर्टिंग के लाइक प्लांट तो अभी आप अच्छा सीजन है, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।